अरे यार तुमने ना मेरा फोन उठाया ना, मिसेज अरोड़ा का फोन उठाया है। क्यों, क्या बात हो गई थी? ऑफिस में काम था मुझे। अरे यार उनकी स्कूटी खराब हो गई थी तुम्हारे ऑफिस के बराबर में, और उनके पति गए हुए हैं पुणे, और वो बिल्कुल अकेली थी। बिल्कुल अकेली थी? बिल्कुल अकेली भी थी, और वो तुम्हारी जरूरत थी उन्हें। ओह नो। अच्छा, जरूरत थी? क्या बोलती हो, अभी पूरी कराऊं क्या? क्या यार, कुछ लोग ना ऑफिस में, अब ये जूनियर है, इनका मंडे को ऑफिस में आने का मन ही नहीं करता है। चलो, लोगों का मंडे को नहीं कर रहा है, वीकेंड के बाद समझ में आता है। तुम अपना बताओ, तुम्हारा तो पूरा वीक मन नहीं करता है जाने का ऑफिस। वैसे सही कह रही हो यार, अब एक बात बताओ, 10 साल से एक ही ऑफिस में, बार बार उसी ऑफिस में, वही कंप्यूटर, वही सब, मन भर जाता है यार, बोर हो जाता है आदमी एक ही चीज को करते करते, बार बार रोज रोज का वही एक काम। अच्छा, फिर तो तुम्हारा मेर से भी मन भर गया होगा, शादी को तो हमारे भी 9 साल हो गए। और कहने सुनने वाली क्या बात है इसमें, तुम्हारे रवैये से पता चलता है कि बोर हो गए हो मेरे से। और वैसे भी आज ही देखा था मैंने दिन में क्राइम पेट्रोल में, आ रहे थे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे बेवकूफ बना के अपनी ऐश कर रहा था। तुम सारे आदमी ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। कैसी बात करती हो यार तुम, कहाँ की बात, कहाँ पे जोड़ के बेकार की बातें ना बोल के मेरे को बोर मत किया। ये देखो, बातें बोर कर रही है ना, इसका मतलब मैं बोर कर रही हूँ। उन खास रिश्तेदार और परिवार वालों को भी एडवांस में हैप्पी होली, जो बात बात पर अपना रंग दिखाते रहते हैं। सुनो, मेरे पापा जो सोने की चैन दी थी कहाँ रखी, जल्दी बताओ, फिर पहन के जानी मुझे। अरे तुम माफ कर, जब से तुझसे शादी हुई है चैन से सो नहीं पाया, सोने की चैन चाहिए इसे मैडम को। यार आज एक मुझे न्यू हैंडबैग दिलाओगे, मैंने बहुत अच्छा हैंडबैग देखा। अरे यार बस यार, पता है कितना फिजूल खर्चा हो रहा है, 2 महीने से इतना इधर उधर का सब बजट हिला पड़ा है। फिजूल खर्चा तुम करते हो? मैं करता हूँ। और भाई साहब 3 साल से कपड़े नहीं लिए मैंने, रिश्तेदारों की सगाई से लेके शादी रिसेप्शन सब एक ही सूट में कर दिए मैंने, हर बार तुम नई नई साड़ियाँ लेती हो। मेरी साड़ी का खर्चा तुम्हें बड़ा याद है, और जो तुम जो लास्ट मंथ तुमने भी ट्रेडमिल लिया था कि पेट अंदर करूंगा, भागूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या हो रहा है उसका, कपड़े सूखते हो उस पे, गीले तौलिया डालती हूँ मैं उस पे। तुम ही डालती होगी गीले तौलिए, ट्रेडमिल। अच्छा जी, और तुमने वो इतना बड़ा ओवन लिया था, इतना बड़ा ओवन दिला दो मुझे, इसमें ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, खिलाऊंगी तुम्हें पकवान बना के, क्या आ रहा है उसका भाई साहब, उसमें ले दे के दाल चावल गर्म हो रहे हैं। तुम्हें किचन के ओवन याद आ रहे हैं, और 2000 रुपए के जो तुम बोतल लेते हो और 2 घंटे में खत्म कर देते हो। 2000 रुपए में देसी घी आता है 2 किलो, और पूरा 2 महीने चलता है, और 2000 रुपए में फ्रूट आते हैं जो महीने भर बच्चे खाते हैं, तुम खाते हो, मैं खाती हूँ, और 2000 रुपए में पता है मोबाइल का रिचार्ज हम सबका, मम्मी पापा तुम्हारा मेरा, और उसके बाद टीवी का रिचार्ज भी हो जाता है 2000। बस बस हाँ, अब तो तुम 2000 रुपए में अमेरिका का फ्लाइट टिकट भी बुक कर लोगी। मेरे 2000 रुपए दिख रहे हैं, मैं चैन की सांस न ले लूं, मैं भी पूरा स्ट्रेस दूर ना कर लूं दोस्तों के साथ बैठ के, 2000। और जो तुम ये छोटे छोटे फिजूल खर्ची करती हो, 100 रुपए का सामान मंगाना है ऑनलाइन, उसकी फ्री डिलीवरी मंगाने के लिए 500 का और जोड़ती हो उसमें, ये जो तुमने पूरे घर पर रखा है, हर बार तुम ऐड कर देती हो सामान को, इसका क्या, ये फिजूल खर्ची नहीं है? घर का सामान आता है, इसे मैं माथे पे सजा के रखती हूँ, ये तुम्हारे बच्चों।